well, just before the grand finale of Khatron Ke Khiladi Season 9, Ali Goni talks about new show of Colors TV, Khatra Khatra Khatra. With that, take a look at his interview. खतरा खतरा काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि खतरों के खिलाड़ी का सीक्वल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नया शो है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ लेकर आया है। हर्ष लिम्पाचिया का आइडिया है ये, एंड बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। सच बताए तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया है, क्योंकि ऐसी चीज़ देखने को मिलती नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। एंड जितने भी हमें करने में इतना मज़ा आ रहा है ना, तो लोगों को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके सर, आपने हमेशा एक न्यू जॉनर को एक्सप्लोर किया है, ये भी एक डिफरेंट है, तो कितना डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि एक न्यू कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में, एक न्यू टाइप, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट आने के लिए बहुत जहन में लाना लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली, जितना हम एज एन एक्टर या हमें जितना करने में एक डिफरेंट लगता है, उतने लोगों के लिए भी ये देखने में डिफरेंट होता है। इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आता है कि मैं कुछ अलग अलग करता रहूं, क्योंकि एक लाइफ है, एक ही काम कर करके इंसान कब तक वो रहे। माशाल्लाह भी एज भी उतनी नहीं है तो जितना तो जितना अपने अंदर से अभी निकाल सकते हो तो निकाल लो। एंड ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, एंड आई एम लविंग इट कि मैं बहुत आराम से फिक्शन से घूमता हुआ, नॉन फिक्शन में घुसता हुआ, अब कॉमेडी में आ रहा हूँ। सो आई एम जस्ट लविंग इट, आई एम लविंग माई जर्नी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अच्छा जा रहा है। ओके सर, प्रैंक की बात की जाए तो निजी जिंदगी में आप कितने प्रैंकस्टर हैं? क्योंकि आपने अपनी अनीता जी से बात की कि आप बहुत ही मस्ती खो रहे हैं, तो कितना बताना चाहेंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअली मैंने बहुत प्रैंक किए, मैंने अनीता पे भी नॉर्मली सेट पे बहुत किए हैं, सबके साथ हम करते रहते हैं, तो इट्स क्रेजी। मेरे को बहुत मज़ा आता है रियल लाइफ में प्रैंक करने का, एंड आई एम लविंग इट यार। मेरे को अब रियल, अब मुझे करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब पता है अभी मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को बोल रहे हैं कि अभी प्रैंक करना है, तो क्रेजी है, मज़ा आ रहा है यार। अभी तो ऐसे ऐसे प्रैंक करूँगा मैं कि नानी याद आ जाएगी इन सबकी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली बताऊँ, मेरे को ना कभी पड़ता था। मेरे बचपन में मेरे क्लास में बच्चों ने बहुत ट्राई किया मेरे प्रैंक की, मुझे बुरा लगे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैं करता था ना, तो मैं आंखों से आंसू निकाल देता था। तो मेरी तो यही प्लानिंग है कि मैं रुला दूं सबको। ओके सर, हु इज गोइंग टू बी अ सरप्राइज पैकेज ऑन द शो? आई थिंक सबको तो लोग जानते ही, सबका पता ही है कहीं ना कहीं कि हम सब लोग कैसे रहे हैं, एंड जो हम वहाँ करवाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, तो सब सरप्राइज ही होने वाले हैं, एंड सब पैकेजेज ही हैं। क्योंकि सबके साथ, ट्रस्ट मी, क्योंकि एक तो हर्ष की मैं बहुत लेने वाला हूँ, एंड भारती जितना सबके साथ करती है ना, लेती है ना, उसकी भी बहुत होने वाली है, एंड सब हैं यार, कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं इन सबके साथ मज़ा आने वाला है प्रैंक करने में, क्योंकि सब हमने टाइम बहुत साथ निकाला है, एंड बेस्ट पार्ट ये कि कोई बुरा नहीं मानता। ओके, लास्ट 11 मार्च को कलर्स पे आने वाले, तो क्या कहना चाहेंगे फैंस को? मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने फैंस को कि प्लीज़ हमें उतना ही प्यार दीजिए जितना हमने खतरों के खिलाड़ी को, हमारे को प्यार दिया है, टॉप चार्ट पे रखा है, एंड आपको एंटरटेन कम ना हो, इसीलिए वो जाते ही हम 10 को जा रहे हैं और 11 को ये लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, शो को देखिए, प्यार दीजिए, एंड वी प्रॉमिस फुल ऑन एंटरटेन करने वाले हैं, बहुत गिरी हुई हरकतें करने वाले कि आप हंस के पास होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज, थैंक यू सर, इट्स अ रेस रिपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट एंड वर्ल्ड।